हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो यहाँ पर मैं फ़िट कर रही हूँ बाबू के लिए दाल। मैंने दो टमाटर डाले हैं दाल को धुल के, इसी में मैंने फ़िट कर दिया। और थोड़ा सा नमक डालूंगी और हल्दी डालूंगी। और इनको बंधवानी थी राखी, तो ये नाटक कर रहे थे अभी नहीं तभी नहीं। तो मैंने कहा मेरी नंद आई हुई हैं, उन्होंने बोला भैया से जाओ आप ही बोलो। तो मैंने कहा चलो रुक जाओ, अभी मैं थोड़ी सी आलू छील लेती हूँ, तब फिर मैं चलती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो बस अब चलिए फटाफट से इनसे बात कर लेते हैं, वरना ये नाटक करेंगे। पहले चलते राखी बंधवा लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए ये आई बोल रही हैं, तो मैंने कहा रुक जाओ मैं चलती हूँ फिर बताती हूँ। कहाँ हो? बनवा लो ना, मुहूर्त निकलवाओगे क्या? मुहूर्त निकलवा के बना लो तो हम करवा ले रहे हैं खाना। क्या दाल चाहिए है? बनवा लो। हमको तैयार छोड़ना होना खेलना है अंदर डाल दीजिए। कौन सी? हम कुछ नहीं रखे। अच्छा ये देखिए, अब जा रही है मेरी नानी, यानी कि कंचन नाम है इनका, तो ये बांध रही है पापा जी को। तो सबसे पहले ये पापा को बांधेंगी, फिर इसके बाद इनको बांधेंगी। और ये कुछ पूछ रहे थे मुझसे, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, मुझे याद नहीं है, जो भी हो। तो बस पापा को इन्होंने राखी बांध दी है, और इसके बाद ये बांधेंगी इनको। तो देखिए आप लोग इंजॉय कीजिए। खाने दो ना, तुम तो चिल्लाने लगते हो उसमें भी। इधर देख लो बुआ, क्या कर रही है? अरे यार उसकी लैट्रिन हो रही है, खा लिए, सर पे कुछ रखे भी नहीं, नेक ओक दो। अरे और क्या हक बनता, वैसे भी नेक दे, पिछले साल का भी तो बाकी है अभी, दोनों साल का। तो पैसे तुम्हारे पास तो पैसे नहीं रहता है। अरे तो जब नहीं तो अरे ले तो छोड़ो ना, हमको मिलता नहीं छोड़ते। ले लो खा लो। अरे बेटा मेरा चमकदार हो गया भाई, चावल लगा दो। ऐसे बोल लो, खराब चेहरा देखो उधर लगा दो, ऐसे चिपका दो। हाँ पिछली बार कितना रो रही थी बांधने के लिए। तो अब बांध रही हैं कंचन की लड़की को, यानी मेरी नंद की, इनका नाम है अंश, बाबू उन्हीं को बांध रही हैं। और जो देवरानी जी का लड़का है उनके लिए राखी हमने गांव भिजवा दी थी, और बाबू की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने उसका कपड़ा भी अभी नहीं चेंज किया है। भाई मेरी देवरानी जी ने भेजी है क्या गरम गरम पकौड़ी, थोड़ी टेंशन ना, तो यही बुला रहा ना, वहां का करना चाहिए। अभी बर्तन वर्तन धुलने के लिए बनाई है, देखो गरम है भैया, तुम तो खाली हो गए। चलो तो हम आ गए हमारे किचन में, और ये जो दूध है ना, जब ये उठ कर गए थे ना तो इन्होंने लिया था छोटे बर्तन में, लेकिन जब आप छोटे बर्तन में ले लेते हो ना तो वो खौलाते नहीं बनते हैं। और इसके बाद हमारी दाल हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं चढ़ाने जा रही हूँ दूध। दूध को मैंने साइड में रख दिया है, और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी दम आलू। दम आलू के लिए मैंने लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट तैयार किया है, और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, और इसके बाद वो पेस्ट मैं डालूँगी। इनको हल्का सा फ्राई करूँगी, जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे ना, जब मैं आलू डालूंगी। लेकिन आलू को पहले मैं छोटे छोटे पीस में काट लूंगी। और क्या होता है, जब आप बात बात करते रहते हो ना तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी नंद खड़ी हुई थी, तो वो बात कर रही थी, तो मेरा भी टाइम पास हो रहा था। और ऐसा होता है जब कोई आपके यहाँ आ जाता है तो आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो वो आप भूल जाते हो, तो सेम वही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी और सब मम्मी लुंगाई ये लुंगाई, तो याद ही नहीं रहा कि मेरी तबीयत भी ख़राब है। और अब इसके बाद मैं टमाटर काट के डाल रही हूँ, चार टमाटर मैंने डाल दिए थे और उसको ढाक दिया था, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी ना, तो टमाटर काफ़ी अच्छे से पक जाता है। और हमारा वो जो पानी था ना उस कढ़ाई में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने पतीला लिया एक, उसमें आलू डाला, फिर पानी डाल दी और लगे हाथ मसाला भी डाल दी थी, और फिर उसके बाद बन गई हमारी दम आलू।
और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आटा उसी के साथ, जब तक हमारी दम आलू उबल रही है। थोड़ा सा बस पानी आपका पक जाए तो समझ लीजिए आपकी दम आलू रेडी है, ज़्यादा उसमें जाम तम भी नहीं होता है ना। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि अब मुझे बनानी है पूरियाँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, आज लेट भी खाना बन रहा है, तो चलिए फटाफट से पूरियाँ बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है। यहाँ पर बैठकर हम लोग काफ़ी आराम से बात कर रहे थे, खाना पीना हो चुका है। ये है चाची की लड़कियाँ, जो मैंने राखी ली थी वो देकर गई थी, इनकी तीन राखी तीनों बहनों ने बांध दी थी। ये है मनोज की, तो मैंने कहा आप ले जाओ उनको दे दो। और ये कंगन बहुत दिन से रखे हुए थे, मम्मी ने कहा इन्हें पहन लो, मैंने कहा नहीं मेरे पास है आप पहन लो, क्योंकि एक साल से उनके सारे सामान वैसे ही रखे हुए थे। तो वो सारी चीज़ें देख रही थी और यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ कर बात कर रहे थे। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, तो बस चलिए बातचीत कर लेती हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से। तो गई तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पाया था सुबह से आप लोगों से बात करने के लिए। तुम हो क्या अंदर? तो सुबह से टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर सकूं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। और बाबू भी जाएगी अपने यानी कि भैया को, यानी कि मेरी दीदी की लड़के को राखी बांधने के लिए। अभी वो सुबह ही मैं मॉर्निंग में भेज देती, लेकिन कंचन के लड़के को भी उससे राखी बांधनी थी, तो मैंने कहा पहले यहाँ बांध लेती है फिर वहाँ जाती है। ऐसे मुझे भी तो जाना था, लेकिन आज आपको पता ही है कि आज मुझे तो टाइम मिलने से रहा नहीं, और जाऊँगी तो फिर वहीं की हो जाऊँगी, फिर खाना पीना भी है, तो इसी वजह से मैं उसे सेकंड टाइम का खाना पीना जैसे, तो इसी वजह से मैं उसे भेज रही हूँ। ये जा रहे हैं उसको बंधा कर ले आएंगे, और वो भी चली आएगी, वो रुकेगी है नहीं, क्योंकि सब यहाँ पर है, तो हो सकता रुके या हो सकता ना रुके, उसके मोड़ का कोई भरोसा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से बाबू को रेडी करूँगी, फिर भेजूँगी। मन्नी भी जाएगी, और वो जो मैंने ड्रेस लाई थी जो मैं आप लोगों को दिखाई थी कि मैं मॉल गई थी, तो वही ड्रेस में उनमें से मैं कुछ पहना दूंगी, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, दो टॉप एक कैफ्री टाइप की जीन्स है वो लाई हूँ, तो बस वही पहनाऊंगी। और चलिए फटाफट से बाबू को रेडी कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। वो जाए वहाँ भी राखी बांध रहा है, उसका भी भैया वेट कर रहा बहुत देर से, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से, ठीक है। तो गाइस ये देखिए बाबू यहाँ पर आ चुकी है, और अभी लगा रही है बाबू को तिलक, यानी मेरी दीदी का लड़का है ये, और इस तरीके से लगा रही इतने प्यार से। इससे पहली बार वो मतलब कि बोल रही थी मुझे बांधना ही नहीं है, और इस बार देखिए कितनी खुशी खुशी सारी चीज़ें कर रही है। और ये जो टॉप और कैफ्री पहनी, यही मैं मॉल से लेके आई थी, मैं आप लोगों को सोची थी दिखाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया दिखाने का, तो आप इसी में देख लीजिए बाबू पहन कर ही दिखा रही है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर आप खुद ही देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, अपनी बेटी की बड़ाई खुद से कर रही हूँ, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वो राखी देखिए कैसे बांध रही है, बांध भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो जिद कर रही थी नहीं मैं ही बांधूंगी, और तुम मत बांधो तुम मत छुओ, तो बस इसी तरीके से वो राखी बांध रही थी। और ये वाली क्लिप मैंने ऐड की है, आप बोलोगे तो आप तो गए ने तो कैसे किए, तो ये मेरे फ़ोन की नहीं इनके फ़ोन की, मैंने बोला था रिकॉर्ड ऊपर देखो इधर ऊपर देखो हाँ अले बाप ले बस हाँ ठीक है थोड़ा सा खिला बस थोड़ा सा खाना बाबू थोड़ा सा बस पूछी दे दो फिर से दे दो इधर देख के पापा तरफ देख के बस के तो बस यहाँ पर ये बाबू दे रहा है इसको पैसा, बाबू को यानी कि मेरी बाबू को। और सभी लोग बोल रहे थे थोड़ा सा क्यों खाना, क्योंकि बाबू को लूज़ मौसम हो रहा था इसीलिए, क्योंकि जानते हो ना जब पेट वगैरह ख़राब होता बच्चों का तो जल्दी कंट्रोल नहीं होता, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। और ये है मन्नी, जो आप लोग पूछते हैं मन्नी कौन है मन्नी कौन है, तो मन्नी ये है मेरी दीदी की लड़की, ये दोनों बहन भाई हैं। और ये प्रियांशु है जो बड़ा है, और मन्नी का नाम है प्रियांशी, दोनों का नाम ही मैंने रखा है। तो बस इसी तरीके से मन्नी भी राखी बांध दी है, और इसके बाद बाबू भी यानी कि प्रियांशु बांधेगा दोनों को राखी। ये वाला रिवाज पहली बार मैंने देखा, ये देखिए पहले तो ये बांधा हुआ है बाबू को, और इसके बाद फिर बांधेगा मन्नी को। तो मतलब पहले बाबू जिद कर रही थी कि मुझे बंधवाना है, तो भैया ने बोला मतलब बाबू ने बोला चिल्लाओ मैं बांध देता हूँ तुमको, तो ये बांध रहा है बाबू को। मैं खुद ही बताते बताते कंफ्यूज हो जा रही हूँ आप लोगों को, और इसके बाद ये बांधा है मन्नी को। तो चलिए अब हम मिलते हैं थोड़ी देर से आराम से अपने घर पर। यहाँ वाली क्लिप तो आपने देखी नहीं मेरे मायके की, ठीक है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 लगभग, और बाबू क्या कर रही हो, बाबू दिखाओ दिखाओ है, बाबू खेल रही है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना,
खाने में क्या बना, सुबह बनाया था हमने दम आलू पूरी और सुबह से टाइम नहीं मिल पाया था आप लोगों से बात करने का, तो मैंने कहा चलो कुछ देर बात कर ले। सॉरी 6:30 नहीं 7 बज रहे हैं, मुझे लगा 7 बज रहे हैं और मैं किचन में खाना बना रही हूँ और मम्मी के आते मार मम्मी से काम करवा रही हूँ। अभी दिखाती हूँ ये देखिए मम्मा बना है, देखो दादी दादी को दिखा रही, दादी क्या कर रही है, दादी काम कर रही है, आटा चाल रही है, है ना, आते मान काम में लग गई है ना बाबू। हाँ। दादी क्या कर रही है, आते ही काम करने लगी ना। हाँ, कौन करवा रहा काम, मम्मा नहीं, हाँ? नानी काम करवा रही है। हाँ। तो नानी से कौन काम करवा रहा बता दो। हाँ मम्मा करवा रही है। हाँ। मम्मा गंदी है ना। हाँ, हाँ। मम्मा बैठी है। हाँ। और दादी से काम करवा रही है। कोई नहीं करा रहा, दादी अपने मन से कर रही है, बोलो। हाँ। दादी अपने मन तो से कर रही। मम्मी चाल रही है आटा, ये देखिए ये आटा लाई है गांव से, खत्म हो गया था तो लेकर आई है और इस चोकर निकाल के ले जाएंगी भैंस के लिए, है ना। हाँ। भैंस को खिलाएंगी क्योंकि ऐसे निकलता तो फिर फेंका जाता है, पापा लेकर नहीं जाते हैं और ऐसे तो मम्मी लेकर चली जाएंगी। हाँ अच्छा, खिलाओ ना बना दे। अच्छा अभी बना देते हैं, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर से। तो गाइस रात के बज रहे हैं अभी 8:30 और अब ब्लॉग का एंड मैं कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अभी तो आपको पता ही कि हम सबके पास टाइम नहीं है, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा, लेकिन हाँ जब ये वीडियोज आएगी ना, जब आप लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा ना, आज है रक्षाबंधन, आप सभी के पास टाइम नहीं होगा, आप सभी बिजी होंगे, तो वैसे मेरी वीडियो देखते हैं कब जाती है क्योंकि जब मैं एडिटिंग करूँगी जब ही जाएगी। और मम्मी आई है और कंचन आई है, जैसा कि आपको पता है कि क्या नंद आई है, तो फिर हम सब उसी में बिजी हो जाते हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम आगे ये सारी चीजें कर सके, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, तो इसलिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर ले रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ या करूंगी, जो भी है ये वीडियो जाएगी लेकिन रक्षाबंधन के बाद ही जाएगी क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता, आज रक्षाबंधन है, आज तो पूरा दिन वैसे निकल गया, कल भी हमारा सारा दिन वैसे निकल जाएगा मुझे पता है। पता नहीं एडिटिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती, अगर हो पाएगी तो पक्का जाएगी, अगर नहीं हो पाएगी तो सॉरी लेट जाएगी, बट देखिएगा जरूर, ठीक है। तो बस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, ठीक है।